इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप बस एक सिंगल क्लिक करके अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और साथ ही उसके बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस कमाल की सेटिंग को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है remove.bg और सर्च करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको remove.bg की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो बस आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से जिस भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको या फिर जिस भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है उसको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और साथ ही इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि यह फ़ोटो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इस फोटो का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर दें तो यहाँ पर सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है। और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले से ही ढेर सारे बैकग्राउंड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप बैकग्राउंड को कलर में बदल सकते हैं। और यहाँ से आपको ढेर सारे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप बस कुछ ही सेकंड्स में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको कोई बैकग्राउंड पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करके कोई कस्टम बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर ब्राउज करके यहाँ पर आपको अपने एल्बम्स में जाना है और यहाँ से आप, जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड चूज करके उसको अपने फोटो में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को बहुत ही आसानी से किसी भी फोटो में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और साथ ही बैकग्राउंड इसमें लग भी गया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फोटो में बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं और आप चाहें तो यहीं से बैकग्राउंड को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एल्बम्स में दिखाता हूँ कि यह फ़ोटो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इस फोटो में बैकग्राउंड रिमूव भी हो चुका है और बैकग्राउंड चेंज भी हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ ट्रिकी वीडियोस फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस फर्स्ट। सो वेल गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।